अगर लफ्जा नाल आशिक बनींदा होंदा कसम खुदा मौलवियां तो वड्डा आशिक कोई ना होंदा। इश्क रसूलुल्लाह दा रब ने किरदार च ढाल के रखिया है, गुफ्तार च ढाल के रखिया है। इश्क दसना नहीं पौंदा जिन्ना विच आ जावे, कदी नेजे दी नोक ते बोल दे, कदी काबे दी छत ते बोल दे। प्यार आ जावे दसना नहीं पौंदा मैं आशिक़े रसूला ए नहीं हो सकदा। हजरत सिद्दीक़ अकबर तो लैके अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी तक सारी तारीख झाड़ के वेख लो, सारी तारीख खंगाल के वेख लो, सारे आलिम पढ़ के वेख लो, सारे सूफी पढ़ के वेख लो, सारे मुजाहिद पढ़ के वेख लो। मैं ते किसे किताब च नहीं पढ़िया, किसे आख्या होवे मम्मी आशिका, किसे आख्या होवे मम्मी आशिका। उन्हें कम इंज दे कीते ने रांदी दुनिया तक हर बंदा आंदा रहेगा, बिलाल वर्गा आशिक कोई नहीं। कम इंज दे कर गए रंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वाहाबिका या हबीबल्ला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीयीन वाला आलिका वाहाबिका या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। बाद हम्दो सलात जुमला तशरीफ फरमा आशकानी मुस्तफा मुहिबीने सहाबाओ आले रसूल। अज दी अजीम शान बज़्मे पाक बा सिलसिला सालाना उर्स पाक जिस दे अंदर अल्लाह की तौफीक नाल सन सारिया नू हाजरी का शर्फ हासिल होया। अल्लाह सोना साडा आना अपनी बारगाह च कबूल फरमाया। जिन्हां दोस्तों ने बिलखसूस मुहम्मद रियाज मेकण साहेब और जुमला आप दे मुहिबीन रुफाका और इस साहेब मिजार नाल मुहब्बत रखने वाले लोग जिन्हां दी मुहब्बत नाल तावन नाल इस बामकसद बजम का इहतमाम किया गया, अल्लाह सोना उन्हां दा अमल सहले अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आप अहबाब जिहड़े इस पुरफितन दौर च दीनी मुस्तफा दी सदा सुनन वास्ते हाजिर होए, अल्लाह आप दीयां मुहब्बतां अकीदतां दीनी खलूस अपनी बारगाह च कबूल फरमा के मजीद दीनी जज्बे ते उन्नते तादमे जिंदगी इस्ताम कामता ता फरमाए। आप बाबा बड़िया मुहब्बत वाले हो, कोशिश आप फरमाया जे कि आप दी तवज्जो मेरे हल होवे। दुराने गुफ्तगु जदों रब्त खत्म हो जाए ना वो पहली गल समझ आती है नित ना बाद वाला जुमला समझ आता है। असा तो अपना वक्त पूरा करना ही होंगे लेकिन मकसद असली फौत हो जाता है। कोशिश फरमाया कि आप तक मैं अपना पैगाम सादे लफ्ज़ां नाल समझा लवा। आप समझदार हो, मैं भी कोशिश करा कि आपको गल समझा लवा। इन स्टीरियो करो अगे तुसी चलेंदे हो याद जाए। अच्छा चलो खैर स्टीरियो करो, अगली गल मैं फिर तुम्हें समझा ना आखी रखो सुभान अल्लाह। जो मैं आयत मुकद्दसा पढ़ी उसका तर्जमा समाज फरमाओ। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बनी इसराइल की गल की है। कुरान लफ्ज़े निदा नाल जदों भी बनी इसराइल का जिक्र किया जाए मुराद आले याकूब है, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद नू बनी इसराइल आख्या जाता है। अल्लाह औलाद याकूब नू खिताब करके फरमा रहा है
या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलादे याकूब, याद करो मैं जिहड़ी नेमत तुहाडे ते कीती, वह नेमत मां बाद आयात चला दस रहा। मैं भी कोशिश करांगा कि उनका तर्जमा करा और यही मेरा मकसूद है। पहले उन्हां दी तवज्जो कर रहे, ये जो विगड़े हालात इन्हां दे खराब होए, अल्लाह सोहणा इन्हां ते जिहड़े एहसान नेमतां कीतियां, अल्लाह इन्हां दी उत्ते तवज्जो करवा रहे कि ऐ बनी इसराइल, याद करो उस नेमत नूं जिहड़ी मैं तुहाडे ते कीती आई। बड़ा औखा वक्त आ तुहाडे ते, ते मैं तुहाडी मदद कीती। बड़ा मुश्किल जिहा वेला आ ते मैं तुहानूं उस औखे लम्हात चों कढ़िया। तुहाडी इज्जत कोई ना लोक करदे ते मैं तुहानूं इज्जत ओ वकार बख्शी, ते मैं तेरे फिर लोगां ते जहान वालियां ते फजीलत बख्शी। अगर ए मेरे दो जुमले समझ जाओ ते फिर मैं जज कर जावांगा कि आप वाकई तकरीर सुनन आए हो। पहले अल्लाह दस रहे, अल्लाह की तरतीब चेक करो समझाण दी। अल्लाह दस रहे, ऐ औलाद याकूब, याद करो मैं तुहानू जिहड़ी नेमत दित्ती आई, तुहाडे ते जिहड़ा फजल कीता हा, तुहानू मुश्किल वक्त च एक जालिम और जाबर बंदे कोलों छुटकारा दिता हा, मुड़ तुहानू फजीलत दित्ती, तुहानू मकाम दिता, तुहानू रोब बख्शिया। अल्लाह फिर अगे उन्हां दी जहन साजी पै करदा है, मते ये समझण असी नबी दी औलाद हाँ, मते ये समझण बस साढ़े ते नबियां बड़िया करम नवाजियां कीतियां, मते समझण बस साढ़े च नबी आउंदे रहे ने। हुण दुनिया दा जिहड़ा कोड़ा काम भी कर लिया तो कई मसला नहीं, खैर है, अगे नाल ही अल्लाह उन्हां दी जहन साजी कर रहा है। सिर्फ इस गल ते दुनिया च माण ना कर छड़िया जे ब तुसी नबी दी औलाद हो, सिर्फ इस गल ते तेड़ ना रखिया जे ब तुसी बड़ी फजीलत वाले हो। वत्तकू यौम ला तजजी नफ्सुन अन नफ्स, उस दिहाड़े का डर भी रखिया जे जदों किसी की भा नहीं फड़नी, उत्थे पार जाना है ते अमलां दी वजह तो ही पार जाना है। मेरी गल समझ गए हो? पहले अल्लाह दस्या है बै नबी की औलाद, उस तुसी नबी की आल हो, ते फद्दल तुकुम अलल आलमीन, बंदियां ते लोगां ते जहान वालियां ते फजीलत भी बख्शी तू, ते नाल अल्लाह सोहणा डरा भी रहा है। वत्तकू यौम ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, बंदा बंदे दे उत्थे काम कोई नहीं आना, ना कोई सिफारिश कबूल है, ना कोई उत्थे पैसा कबूल किया जाना है, ना किसी होरी की शफात कबूल की जानी है, ना किसी बंदे की सिफारिश होनी है। मेरा बेली बड़ा हा, ये मेरा सज्जन बड़ा हा, ये मेरा संगती बड़ा हा, ये जी मैन बड़ा प्यारा है, या अल्लाह इन दे हिस्से का मैन मार लै, इन दे हिस्से की मैन सदा दे लै। ना अहदीशे मुबारक के अंदर उस मंजर इंज बयान किया गया, तो अल्लाह दे कुरान भी दस्या है कि माँ बेटे नू आखेगी मेरा कुछ नहीं लगता, बेटा माँ नू आखेगा मेरा कुछ नहीं लगता, बिरा बिरा दा कोई नहीं होना, बेटा बाप दा कोई नहीं होना, जेडे इत्थे आंदे ने ना तेरे वास्ते मेरी जान हाजर है, और लैला सामने करके पूछेगा हाँ इन दे वास्ते तू आना है मेरी जान हाजर है, इन दियाँ दो त्रै निक्कियां घटने दिन है, तू आखसी जी मैं इन वेखी भेड़ी वार है, मेरा इन दे नाल तअल्लुक ही कोई नहीं। जहान दे जिथे सारे रिश्ते जवाब दें दिन, उत्थों मुहम्मद अरबी का रिश्ता बाँ फड़ लैंदा है। अल्लाह कह रहे उत कोई ना शफात आला आना है, ना बादल आला आना है, किसी को पैसे लैके उन्हें नहीं छड़िया जाना, किसी को जुर्माना लैके उन्हें पार नहीं किया जाना। ना मेरे नबी ने यह खुद अपनी हयात मुबारक के अंदर बंदियां नूं समझाया, हुजूर दे सहाबी ने हुजूर को पूछा या रसूल अल्लाह कयामत कदों आएगी, तो मेरे सोहने नबी ने फरमाया हुजूर कह सकते सन इनका इलम खुदा जानता है, या कुछ निशानियां जो हुजूर ने बयान फरमाइया ने सहाबा के अंदर बयान फरमाइया। तालीम उम्मत वास्ते मेरे नबी ने फरमाया
फरमाया तू कयामत वास्ते केड़ी तैयारी की हुई है। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह ना नमाजा ते माने इंज भी नहीं हो सकता हजूर का सहाबी हो बेनिमाजी हो इंज भी नहीं हो सकता सहाबी हजूर का हो रोजे नरख का हो इंज भी नहीं हो सकता सहाबी हजूर का हो दीन का गद्दार हो इंज भी नहीं हो सकता सोहबत हजूर दिच बैठा हो दीन का चोर हो ना मठा मठा बंद दसदा पे ना नमाज ते माने ना रोजिया ते माने ना कसरत सलात ते माने। हाँ इस गल ते फखर जरूर है साडा अल्लाह नाल भी प्यार है अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार है। सिर्फ हुजूर दे प्यार दा सिक्का चलना है उत्ते सिर्फ हुजूर दे इश्क दा सिक्का चलना है। यही गल उन्हां बंदियां नूं रब वहदहू ला शरीक समझा रहे हैं जिन्हां हुजूर दी आमद दे कोठियां ते चढ़ के ऐलान कीता सी अज बनी इसराइल चो नबूवत खत्म हो गई जे अज यहूदियां चो नबूवत खत्म हो गई है अज बनी इसराइल चो नबूवत खत्म हो गई है अज कुरैश अल नबूवत चली गई है। अगे अल्लाह उस नेमत दी गल पे करदा है जिहड़ी नेमत दा तज़किरा अल्लाह पहले कीता है कि मैं तुहाडे ते नेमत कीती आई तुहानूं याद देख नहीं याद वैस नहीं जईना कुम मिन हाल फिरौन यसूमून कुम सुअल अज़ाब युज़बिहून अबनाकुम। अल्लाह फरमाउंदा पे याद करो इस वेले नू जदो तुहानू असा निजात दित्ती जदो तुहानू असी खिच के लै गए जदो तुहानू असी पार लै गए ओ फिरौन तुहाडिया पुत्रां नू ज़बह करदा फिरौन बड़ा ज़ालिम ते जाबिर ऐशो दे सारे वी रलाईए ज़रदारी औरां समेत ए ओ कख वी नहीं इन्हां दीआं दुध दीआं दंदियां ने बड़ा ज़ालिम जाबिर बादशाह जेड़ा खुदाई दा दावा रखदा हा उन्हूं किसे नजूमी आके दस्या वो जनाब तेरी बादशाही खत्म होने वाली है एक बच्चा पैदा होना है जिस तेरा तख्त हला के रख देना है। उन्हें फिर जिन्ने बच्चे पैदा हुए सारे ज़बह कराए जेड़ा बच्चा पैदा होना यानी कुरान च दस्या है अल्लाह फिरौन नूं वी ठहिणा होवे ढेर सारी फौज की कोई नहीं लोड़ एक बंदा काफी होवे इंशाल्लाह होवे गैरत आला छोर पैदा होया तो कतल करा छड़दा। सैयद अकबर अलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अलामा भी होए बहुत बड़े सूफी भी होए बहुत बड़े मुदब्बिर भी होए आप फरमाते हैं अक्सर जो इस आयत की तफसीर करा ना तो आप फिर एक शेर याद आता है पढ़ते हैं यूं कत्ल के बच्चों से बदनाम न होता अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी बा फिरौन कॉलेज बना छड़दा ते वे छोर दाखल करा छड़दा किसी अंदर इन्नी गैरत पैदा ही नहीं होनी बा उस जालिम दी अख चख पावे इंदा मतलब है सैयद साहब बंदियां दस गए ने कॉलेजा चो सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता गैरत आला मर्द पैदा होता है ते मुहम्मद दे मदरसे चो पैदा होता है। जितन तक तुसा बने तवज्जो मेरे अल करनी नहीं तो तुसा मैं दसना बस लून दे बने तो गुड़ूंगा जेड़े दो कुर्सी तो बैठे बंदे ये भी बारिश बैठे तो मेरा ख्याल है सब तो ज्यादा नुकसान इस बंदे का जिस बंदे साउंड लाया हूँ मेरे अल वेंदा पे भावे खोड़ के वेंदा पे भावे मोहब्बत अलो वेंदा पे तुसी मेरे अल उत्तो वेखो तो साढ़े वेखण वाले सुरकना कोई नहीं ते ना कोई डे सी वलीए कामल ना बमैन तकरीरे च अखा कुछ नहीं हुंदा बारिश नहीं आउंदी हो सकदा है तेज हो जाए हो सकदा है रुक जाए इंदा इल्म खुदा जानदा है। अगर आप चाहते हो तो मैं गुफ्तगू जारी रखना नहीं तो दुआ कर छड़ना ना तो मैं बारिश पिंडों लैके आया तो ना मैं इन्ना बेचारे जिन्ना मेहनत कोशिश पैसा खर्च किया है इन्होंने भी कोई ना पता बारिश आ जानी है कुदरती मौसम है कुतरा चार मिनट होर उड़ीक लो जे कम तेज़ हो गया तो असं भी तेज़ हो जसा एक बार मोहब्बत नाला खुशबान अल्लाह तवज्जो है एक बंदा काफी और आंदा फिर फेरन वास्ते एवें लश्कर पालन की कोई नहीं लोड़ होती बंदे पालन की कोई नहीं लोड़ होती उन्होंने नजूमी आके दसिया तेरा लश्कर जाने वाला तेरी फौज जाने वाली आ तेरा पासा पलटी नाला है
फिर रब 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 बड़ा डड है जिंदे नाल इस बादशाही खत्म करनी आई उस शख्सियत अल्लाह फिरौन दे घर ही परवरिश दी इत्थे ही रखिया। फिर एक वक्त आया हजरत मूसा कलीमुल्ला बंदियां नूं गैरत दा दर्श दिंदे रहे दीन दा दर्श दिंदे रहे। फिर एक दे रब हुक्म फरमाया ये जेड़े तेरे नाल दे नहीं ना इन्हां इन्हां कोलों लैके ते कितें दूर टुर जा कितें इह ज़ालम इन्हां नूं वी ना मार छड़े। ऐ सारी गल वास्ते मैं मेहनत कीती अगर आप नूं समझ आ गई तो मेरे आउण दा वी मकसद पूरा ते तकरीर वी मुक गई। हजरत मूसा कलीमुल्ला अपने हवारियां नूं मुरीदां नूं सजणां नूं कलमा पढ़न वाले नूं लैके निकले ते राह जा दरियाए नील पिछे फिरौन अगे दरियाए नील फिरौन जाहो जलाल नाल लश्करा नाल ते तीरा नाल ते कमाना नाल घोड़िया नाल ते नेज़िया नाल लद्या आ ज़ाहरे जिद्दी बादशाही ने खतरा हा उस ते मार नहीं मारा ना उन्हें बंदे अर्ज की सुनिया फिरौन भी पिछे लगा आंदा है अगे ढेर साडा वड्डा दरिया है बेड़ी वाला भी सिस्टम कोई नहीं हुण की करिए। रब वहदहू ला शरीक ने फरमाया इंदे विच मारो सोटी ते इह राह बना छड़ सी। हजरत मूसा कलीमुल्ला ने सोटा मारिया ते दरियाए नील च राह बनिया ते राह एक नहीं बनिया कबीला बड़ा हसद वाला हा बड़ा बुग्ज वाला आपस च उन्हें कहना ना इतों जे फलाणिया लगना है तो असां इतों कोई नहीं लगना उन्हें कह जे इतों दूजिया लगना है तो असां कोई नहीं लगना असी हाँ बारह कबीले ते बारह राह बनने चाहिए ने। हजरत मूसा कलीमुल्ला उन्हें बंदियां नूं पार लैके गए हाए नबी नाल ते दरिया नील तो पार निकल गए। जदों फिरौन विच आया पता नहीं केड़ा सियाणा पाणी आ पता नहीं केड़े अकल वाला पाणी आ उन पता लग गया हा आए जिहड़े अगले निकले ने नबी नाल ने जेड़े नबी नाल आए वो पार लंघ गए जेड़े ताकत आलिया नाल आए अल्लाह इबरत दा निशान बना के रख छड़िया है ते आउण आलियां नस्लां नूं अल्लाह एक तफसील एक वाकया दस्या है। लोगो अगर दरियाए नील ते फिरौन जैसे जालिम ते जुल्म तो बचना फिर जालमा नाल खलोन नाल अल्लाह पार नहीं लै जांदा अल्लाह पार उन्हें लै जांदा है जेड़े अल्लाह दे नबियां नाल खलो जान जेड़े फिरौन नाल आए वो भी बंदे है कौन है दब गया को कौन है ते जेड़े मूसा कलीमुल्ला नाल आए वो कौन है जेड़े फिरौन नाल आए भी तो इंसान ही आए ये भी तेरे बंदे ही आए इत्थे अनासरी बेबादी मेरे बंदे मूसा कलीमुल्ला रातों रात लैके निकल जा ते जेड़े फिरौन नाल आए मखलूक हो भी तेरी बंदे हो भी तेरे तू ही उन्हां नूं इतनी ताकत बख्शीए क्यों कहना ते अर्जी चाहने ते रब कुरान च बंदियां नूं समझाया मेरा बंदा ओ ही हुंदा जेड़ा पहलो नबी नाल खड़ोंदा है। अल्लाह कुरान च वाकया बयान करके बंदियां नूं दस्सा है फिरौन जैसे जालम दे जुलम तो छुटकारा पैण वास्ते पहलो बच्चे ज़बह करने पौंदे दरिया नील नाल मत्था लेना पौंदा है ये आए मूसा कलीमुल्ला नाल ते बच्चे भी जबा कराए औरतां भी जबा कराइया मर्द भी जबा कराए फिर बड़ी देर तक जुल्मो सितम दा सिलसिला चलता रहा। फिर दरिया नील जैसे वड्डे दरिया नाल मत्था लाया अल्लाह फिर पार कीता है लेकिन पहले जुल्मो सितम अजमाइशां चो गुजरते रहे ते जिहड़े अजमाइशां चो गुजरते 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 दरिया नील दे किनारे तक नबी
दा दामन फड़ के चले गए, ओते पार हो गए, जेड़े उस जुल्मो सितम तो ना सह सके ते फिरौन नाल खड़ो गए, ओ गरक हो गए। आज भी अगर असा पा जान पार जाना है ते जालमा दियां गड्डियां के नचण नाल जालमा तो बंदा छुटकारा नहीं पैदा। जुल्म तो बचण वास्ते मुहम्मद अरबी दे दीन दा सहारा लेना पौना है। दरियाए नील तो पार करा छड़दा, जेड़ा सोहणे मुहम्मद अरबी दा आशिक हो जाए उनका सिर्फ रुका टुर जाए, अल्लाह दरियाए नील दा सीना चीर के रख छड़दा। आप सरकार ने फरमाया पूरा कोई शह लियाओ, उन्हें वट्टा लिया कोई रुका लिया, आपने कोले नालों लिखिया सी आखो जे खुदा दे हुक्म नाल चलदा है ते चलदा रवे, जे अपने आप चलदा है ते सन उंदे पानी दी लोड़ कोई नहीं। हजारा बंदे गवाह ने, तारीख इसकी गवाह है, सीरत इसकी गवाह है, सिर्फ वो खत गया सी जिते ते सैन फरूक आजम दे होयो है। सदियां गुजर गई ने, दरियाए नील अपनी रवानी नाल ही चलता पे, इनका मतलब है एक वक्ता दरियाए नील नू आखे लैण वास्ते नबी दे सोटे दा होने जरूरी आ। फिर निजाम बदलिया, मुहम्मद अरबी आया, रब दसिया हुण दरिया नू आखे लैण वास्ते मुहम्मद अरबी दा इश्क जरूरी है। हर चीज नू आखे लैण वास्ते हुजूर दा प्यार जरूरी है, हुजूर दी मोहब्बत जरूरी है, और वो हुजूर दी मोहब्बत किन्नी जरूरी है वो मैं दस के ते इजाजत चाहना। आप दब के आखो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे सोहने रब ने कुरान सारा कैदा दसिया है, सारा कानून दसिया है, जेड़ा जालमा नालो वे गरक हो दे पार हो जाता है, जेड़ा अल्लाह दे नबी नाल खड़ो जावे ते अल्लाह दे नबी नाल रस्मन खलोण वाला होर होंदा है, लफ्जन खलोण वाला होर होंदा है, अकीदतन खड़ा होण वाला होर होंदा है। साडे कोल सिर्फ इश्क है ते लफ्जा दई है, साडे कोल प्यार है ते सिर्फ लफ्जा दई है, साडे कोल मोहब्बत है सिर्फ लफ्जा नाले। मैं भी आख्या मैं अश्के रसूला, तुसा भी आख्या मैं अश्के रसूला, जिस बंदे पुछया हाँ सुना तेरा की हाल है, हर बंदे दसिया मेरे नाल वड्डा आशिक हो सकदा कोट पहलवान च ना होवे, उन्हां कोलों पुछया हो सकदा जोरियां च ना होवे, उंदे कोलों पुछया हो सकदा सरगोदे च ना होवे, उंदे कोलों पुछया हो सकदा पंजाब च ना होवे। अगर लफ्जा नाल आशिक बणींदा होंदा कसम बा खुदा मौलवियां तो वड्डा आशिक कोई ना होंदा। इश्क रसूलुल्लाह दा रब ने किरदार ढाल के रखे आए, गुफ्तार ढाल के रखे आए, इश्क दसना नहीं पौंदा जिन्ना विच आ जावे। कदी नेजे दी नोक ते बोल दे, कदी काबे दी छत ते बोल दे, प्यार आ जावे दसना नहीं पौंदा मैं अश्के रसूला ए नहीं हो सकदा। हजरत सिद्दीक अकबर तो लैके अल्लामा खादिम हुसैन रजवी तक सारी तारीख झाड़ के वेख लो, सारी तारीख खंगाल के वेख लो, सारे आलम पढ़ के वेख लो, सारे सूफी पढ़ के वेख लो, सारे मुजाहिद पढ़ के वेख लो। मैं ते किसे किताब च नहीं पढ़िया, किसे आख्या होवे मम्मी आशिका, किसे आख्या होवे मम्मी आशिका, उन्हें कम इंज दे कीते ने रांदी दुनिया तक हर बंदा आंदा रहेगा। बिलाल वर्गा आशिक कोई नहीं, कम इंज दे कर गए रांदी दुनिया तक लोग आंदे रहणगे। सिद्दीक जैसा सच्चा आशिक कोई नहीं, रांदी दुनिया तक लोग आंदे रहणदे। फलाना इंज दा इश्क कर गया है मेरे नबी दा यार हजरत जै
زید بن حارثہ وکدا وکاؤندا میرے نبی دی بارگاہ چایا ہے پتہ کوئی نہیں باپ کدے رہ گیا ہے پتہ کوئی نہیں رشتہ دار کدے رہ گئے نے پتہ کوئی نہیں سجن کدے رہ گئے نے حضور نے اعلان نبوت فرما چھڈیا ہن حضور دے نال ہی رہندا ہے کلمہ حضور دا پڑھیا ہویا ہے خادم حضور دا بنیا ہویا ہے نوکر حضور دا بنیا ہویا ہے ملک دیا نو پتا لگیا رشتہ داراں نو پتا لگیا ساڈا بچہ عرب وچ رہندا ہے عرب دے شہر مکے وچ رہندا ہے چاچا وی آیا سجن وی آئے بیلی وی آئے انہاں پچھیا اسا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ملنا ہے انہاں کہیا او حرم شریف دے اندر کعبے دا طواف پیا کردا ہے حضرت زید بن حارثہ دے رشتہ دار تے سکا چاچا کعبے آئے حضور کول آندے نے یا رسول اللہ جنہ مال لینے لے لو ساڈے پتر نو جان دیو جنہ پیسے لینے نے لے لو ساڈے پتر نو جان دیو میرے نبی نے فرمایا کدی گل کردے پے ہو نعرہ کیتی یا رسول اللہ زید دی گل کردے پے ہاں میرے نبی نے فرمایا پیسے ران دیو پہلے اوندے کولو پوچھ لو جانا چاہندے یا رانا چاہندے ساڈا چھوڑ دو سال بال رہے آوے ایتھوں گڈیاں لین جاندیاں نے اتھوں چیخدا نظر آؤں دے حالانکہ روزانہ راتی کام تو بعد اممہ نال وی ویڈیو کال ہوں دیئے اممہ نال وی ویڈیو کال ہوں دیئے یارہ نال وی گل ہوں دیئے بیلیاں نال وی گل ہوں دیئے وات وی جدو پیو پتر نو دو سال بعد مل دے پتر دیاں وی چیخا نکڑ جاندیاں نے پیو وی خوشی تروب ہوں دے موڑ وی جدو ماں دیاں کھان دے سام اپنے پتر ہوئے خوشی تو مارو پوندی ہے پتر بھی جذبات تے قابو نہیں رکھ سکدا کئی سال ہو گئے نے بچپن چ وکدا وکاؤندا ہے جوانی آ گئی ہے سکا چاچا کھڑوتا ہویا ہے سکے رشتہ دار کھڑے ہوئے نے میرا سونا نبی فرماؤندا ہے پوچھ لو اگر جانا چاہندا ہے پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں اونجی لے جاؤ میرے سونے نبی نو اپنے عاشق تے ناز ہا مار تے سکدا یار نال غداری نہیں کر سکدا مارت سکدا ہے غداری نہیں کر سکدا سکا چاچا گل پیا کردا ہے پترا چل تینو اپنے دیس لے جائیے چل تینو پیچھا لے جائیے چہرا ابا پیا اڈیکدا ہے تیری اما یاد کر رہی ہے تینو بلی یاد کر رہے نے یاد کر اپنے پنڈ دیاں گلیاں یاد کر اپنے وطن دیاں گلیاں یاد کر ماں دے ہتھاں دا کھانا حضرت زید بن حارثہ فرمایا چاچا ضرور لگدے لیکن خبردار جان دی گل نہیں کرنا چاچا حیران ہو کے آندا ہے حد ہو گئی ہے کئیاں سالاں بعد آیا انج دی خبر کسے نو مل جاوے جتیاں وی نہیں پیندا تو گل نو سندا میرے نبی دا یار ہی کوئی گل کردا ہے چاچا میرا رشتے داراں تمنے گزارا ہو جاندا ہے یار تمنے گزارا نہیں ہوندا آسی بھی عاشق اس عاشق نو بھی نظر چ رکھے آیا چاچا سامنے کھڑوتا ہویا ہے ساڈے ال صرف چاچا آ جاوے دمی مولوی ناک چھڑی دے سمجھیا کرو ساڈا گزارا نہیں ہوندا چاچا سامنے کھڑوتا ہویا ہے فرمایا دفا ہو جاؤ یار دا در نہیں چھڈنا سانو صرف اشارہ ہو جائے ویکھ لو مڑ جویں تہاڈی صلاح ہے اسی آنے آ مولوی جی برادری نہیں رہندی ہن توہان رکھیے یا برادری پالیے جے میرے بچے آؤ جنا چاچا رکھیا ہوئے برادری پالی ہوئے عاشقو نہیں ہوندا عاشقو ہوندا ہے جڑا اے فتویٰ دےوے سارا جہان ایک پاسے آمین دلال ایک پاسے اسی رشتہ دار بھی پال دے رہے قبیلے بھی پال دے رہے آستانے بھی پال دے رہے سجن بھی پال دے رہے نہ ویکھیا حضور دا دین کی پیا طلب کردا ہے نہ ویکھیا محمد عربی دا پیار کی طلب پیا کردا ہے اساں رکھیا تے صحیح سانو عشق رسالت تے تقریر سنایا جے حد ہو گئی ہے اجے بھی جے عشق رسالت سمجھاونا ہے وقت تو عاشق کا دا ہے تو تے مین ملیا ہے میں تو وڈا مولوی جی عاشق ہے
ही कोई नहीं हो जो दसिया कदी नहीं आ अंदरों असी भी प्यार करने इश्क अंदरों नहीं होता इश्क अदावा नाल होता है जिमें यार करता है उमें आशिक करता है जिमें महबूब करता है उमें आशिक करता है साडा महबूब होर आता है आशिक होर करता है महबूब हुक्म होर देता है आशिक होर करता है महबूब आता है शराब के नेड़े ना जाया जे आशिक राज रज के पींदा है महबूब आता है सूद नहीं खाना आशिक राज रज खाता है महबूब आता है जना दे नेड़े नहीं जाना आशिक रोज टुरिया होंदा है महबूब आता है मसीती आया जे आशिक आता है साडियां लंबियां नती गईयां ने महबूब आता है मेरा कुरान सीने नाल ला के रखिया जे आशिक आता है अंग्रेजी ना पढ़ी ते नौकरी नहीं मिलेगी महबूब आता है मेरा फरमान सांभ के रखिया जे असी आने आशिक भी जरूर आ लेकिन साइंस ना पढ़ी ते तरक्की नहीं करांगे महबूब आता है मेरे दीन नाल खड़ो जाया जे आशिक आता है दीन नाल खड़ो गए वत आटा भी नहीं मिलेगा रोटी भी नहीं मिलेगी इहदा मतलब है दोवें गल्लां मुतजाद ने आशिक दा इत्ते मूह लगा होया महबूब इत्तो वेंदा पिया है कौन यार दे दीन ते पारा देण वाला पारा देण वास्ते लफ्जां दा किरदार जरूरी नहीं मुहम्मद अरबी दे दीन दा ताबेदार जरूरी है चल तेन वतनत लै चली तेरी अम्मा उड़ीकती पई है हजूर ने एक बारी भी नहीं आख्या इजाजत हो तो मैं मिल आवा ना फरमाया ना हजूर तो मने जाइए तो साढ़े साह मुसाफर हो जा इन्ना जड़ा हुजूर नाल प्यार करता है ओनू मेरे सोहने नबी दा फरमान आंदा है सच्चा आशिक वगरना गद्दारी पै करदा है वगरना दो नंबरी पै करदा है इंज किवें हो सकदा है आशिक रसूल दा होवे डोल जावे मेरे नबी दा दरबार लगा होया एक बंदा खत लेके आया मुसलमा कजाब दा खत आया जिस दौरे नबूवत दे अंदर ऐलान नबूवत कीता जिस आख्या मैं भी नबी हाँ वो दौर हुजूर दा हुजूर दे सहाबा दा हुण साना टीवी तो ये पता लग जाता है पेट्रोल कदन मांगा होना है तीन दिन पहले साढ़े बंदे टिंकियां भरा के रख लेंदे ने सानू ये पता लग जाता है खाद कदों मांगी होनी है सानू ये भी पता लग जाता है वसल मांगे हो गए या आटा मांगा हो गया ना पता लगा तो चीफ जस्टिस किवें भौके है ना पता लगा तो खत्मे नबूवत हमला किवें होया ना किसे एंकर नू खबर आई ना किसे तजियागार इस ते नामा निगार ना कालम निगार गार कोई भी ना बोलिया किसे नू ख्याल ही ना आया ऐही मौसम ऐही स्पीकर ऐही मौलवी चीख चीख के कह रहा है ओए गद्दारा नाल ना खड़ोया जे दीन नाल खड़ो जाया जे साडे कान ते जू भी ना रोंगी खैर थोड़ी देर बाद दो दिन गुजरे फौरन टीवी ते खबर आ गई है मुल्के पाकिस्तान दा वड्डा जज आंदा है कादियानी नू भी इजाजत दे मौलवी नू भी इजाजत दे पीर नू भी इजाजत उदो मैसेज चले हर कमीने मैसेज लिखिया किते गए ने लब्बे काले खत्मे नबूवत हमला हो गया है कोड़ी नसल दिया जिन्ना दियां गड्डियां गे तू नचदा रहा है ओना मुहम्मद दा कलमा कोई नहीं पढ़िया होया खबरदार तुसी बिजली महंगी करो असी खामोशा तुसी गैस महंगी करो असी खामोशा पेट्रोल लगा आसमान तक ले जाओ असी खामोशा खबरदार असी कमजोर जरूर आ बेगैरत नहीं हुजूर दी खत्मे नबूवत दे खिलाफ जिस बंदे गल कीती ते गाजी मुमताज दी गोली ए कदी नहीं वेख्या गल करन वाला कौन है सिर्फ ए वेंदी ए मुहम्मद दे खिलाफ ठोकन वाला कौन है जुमिया ते बंदे दस दें असल मसला है
बहुत बड़े फितने का दरवाजा जज साहब खोल रहे हैं। कादियानिया नू अपने मस्जिद कौन दसा बा कादियानी मजहब है, ईसाइत मजहब है, यहूदियत मजहब है, हिंदू मजहब है, सिख मजहब है, कादियानियत ते फितने ते असीं फितने नू भी सिर ला के रख देंगे ते फितने दे नाल आलिआं दे भी सिर ला के रख देंगे। तैनूं कौन दसा बा कादियानी मजहब है, यही ते इत्थे मसला है। मुसलमाना दिया मस्जिदां दे स्पीकर ला दे उतली स्पीकर जुमा नहीं पढ़ा सकता, कादियानी नहीं इजाजत है अपने मजहब के मुताबिक। वो सच्चे ने, उन्हें पता है दो दिहाड़े सड़कां ते नचीखणे चूकणे ते मुड़े नखणे हल खैर है ते दो चूकणे ते तरू आखणे चुप कर है हालात पे खराब करना है चुप कर है असा कम्मा कारां ते जाणा हुंदा तुसा रोज तमाशा बणाया इन्हां नूं की पता हुजूर दी खत्मे नबूवत केड्डी मांगी है ते केड्डा अल्लाह जिहा मसला है। मुसलमान कज़ाब ने सिर्फ खत गल्लिया सी उन्हें दो चीजा रखिया से उन्हें कहीं हजूर दे विसाल तो बाद तुसी ये लिख जाओ तुसी जदो इस दुनिया तो कुछ करना है उदो नबूवत मेरी चलेगी या मेरे नाल वंड पा लो अद्धा रब तुहाडा अद्धा रब मेरा ओ घोड़ा जान दा ना नबी अरब वास्ते नहीं सारे जहान वास्ते रसूल बन के आया है। हुजूर ने लंबा चौड़ा जवाब को नहीं दिता मुनादरे या तफसील इसकी ये दलील है इसकी ये दलील है इसकी ये दलील है इसकी ये दलील दलीलां देण नाल ते मसले हल नहीं होंदे दो टोक मौकफ होना चाहिए। मेरे नबी ने दूजे पासे लिखिया तू कज़्ज़ाब है ते बड़ा वड्डा लानती ते झूठा है किसी से अभी नहीं आख्या मुहज़्ज़ब लफ्ज इस्तेमाल करें इतने बड़े नबी हैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं सहाबा खुश होया अब घोड़े ने घोड़ा आखना चाहिए। मेरे नबी ने फिर खत लहराया है कोई जेड़ा खातुन दे आवे ये शेर दे हाथ मुंह विच हाथ पैण वाली गल आई बैक बंदे ने बंदा झूठा भी आखे जहान दा झूठा आखे ते मुड़ उंदी फौज च उंदे इलाके खत भी लैके जावे पता है वापस कोई नहीं आना। एक हजूर दा सहाबी अठा बच्चियां दा प्यो है कमजोर नजीफ जिस्म वाला सिर ते खजूरा रख के वेचदा बंदा है एक खजूर खांदा पे मेरे नबी ने फरमाया कौन जेड़ा है खत लै जावे। मेरे नबी दा सहाबी फौरन बोलिया या रसूल्ला मेरी ड्यूटी लाओ ते खजूर खांदिया जो गल की तो सामने बंदे सहाबी ते खजूर डिगी उन्हें क्या ठहर जा खजूर खा के गल करी फरमाया खजूर खांदिया खांदिया जे ड्यूटी किसी होर दी लग गई तो फिर साड़ी तो सेहत ही खराब होंगी है ना सन काम कार बड़े होंगे साड़ी मत चोन वाली होंगी उदों आखदे ने ओ मज सारिआं नूं मारदी सिर्फ तैनूं नहीं मारदी तू गुलकंद खवै ने तैनूं ही जिहड़े मारदी मेरे हथ ते जिहड़ी पई मेरे तों इलावा नहीं मिलदी तू जदों मर गया उदों भी तुस मिलना है तू जदों मर गया तू कान उदों भी चलसी मुड़ जिहड़ी रील उत्थे कबर चली उत्थे वी आखी थोड़ा जिहा हौली मारो मेरी सेहत नहीं सी हौली मारो मेरी तबीयत नसाज है तगा पीरां दी कबर च नाल ही वड़ जावे करो तो उत्थे अगर पीर साहब ने इन्हां कुझ ना आखो इन्हां ते शरीयत नहीं लागू नबी दे सामने सदके वाली खजूर कद की इमाम हुसैन हुजूर अंज भी कह सकते सन बेटा खजूर फेंक दो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते ना मेरे नबी ने मुंह विच पाक सदके वाली खजूर कढ़ी ते बंदे ने दरस दिता साहबजादा जेड्डा वड्डा भी होवे हुसैन जेड्डा भी होवे शरीयत शरीयत है समझ आई कोई ना साढ़े दोहरे कानून पीरां दा पुत्र मसीती आ के दमचड़ पैंदा वे पैक्शन माशाल्लाह केड्डा सोहणा टुरदा है जे पिंड दे इमाम दा पुत्र मसीती आ जे पैक्शन ओए नु गारी रखे जे मौलवी तुहानू पता नहीं बच्चियां नु मसीती नहीं आण क्यों ओ सोहणा सी अमीरां दा पुत्र मसीती आ जाए लूला लंगड़ा काणा गूंगा भी होवे पैक्शन चौधरी साहब माशाल्लाह चोर ते हुण रड़कदा नहीं गरीब दा पुत्र किते बोल के निक्का बाल मसीती आ जाए तुहानू पैक्शन इन्ना अंदा करो शोर पैंदा है ज़ालम होए छड़ दिओ दोहरे कानून मेरे नबी ने एक साइड ते इमाम हसन नु रखिया ते एक साइड ते उसामा बिन ज़ैद नु रखिया गुलाम दा पुत्र लोग पुछे एक साइड ते शहजादा ते एक साइड ते गुलाम दा पुत्र फरमाया यही ते गल खत्म करन आया रब दी बारगाह च ओही वड्डा बंदा है इन्ना अकरमा को मिंदल जेड़ा जिन्ना परहेजगार होता है ओना मुहम्मद अरबी दे करीब होता है। असी शख्सियत परस्त हाँ साडी शख्सियत गलत ही क्यों ना होवे उंदा दिफा करदे रहना शख्सियत नु गोली मारो मुहम्मद अरबी दी शरीयत शरीयत है।
मेरे नबी दे सहाबी फरमाया हुजूर मेरी ड्यूटी लाओ। हबीब बिन जैद बिरा भी शहीद हो गए, अब्बा भी शहीद हो गए, मां भी मैदानी ओहदे च लड़ी है, अठ पुत्र ने कोई बंदा गैर सिका किताब विचो ज़ैफ तो ज़ैफ तारीख विचो एक कट के नहीं विखा सकदा। क्यों सहाबी आखे बे हुजूर एक बारी खत कोल ही रखे है, मैं कतरा पुत्रां दा चेहरा वेख्या वा खजूरा उत्थे रखिया ते फरमाया पुत्रां दस्या जे तुहाडा प्यो मुहम्मद अरबी दी नौकरी च कामयाब हो गया है। फिर जाओ जलाल मुसैलमा कज़ाब दा रश उन दे नाल भी डेरा, बंदे उन दे नाल भी डेरा, उनकी अलग फौज आई, अलग पहलवान आए उन्दे। जो मुसैलमा कज़ाब दे दरबार मेरे नबी दस्या भी गया, इंज सोटा रखिया, उन्हें कहा दस तू कौन है? ते आपने फरमाया मेरे आने तो तेन नहीं पता लगा मैं कौन हाँ। बोलो सुभान अल्लाह। सानू भी तुहाडे आउण दा पता लगता है जो मसीती आओ थाने जिले वड़दे ने उन्हें चादर भी बाहर फदेंदे ने ऐसा जो जने रेंज होंदा मोढे तो चादर ला मुड़ बड़ा मनुष्य मिलदे ने साहब और ठड्डे नहीं कि तत्ते नहीं पड़ों दी मुठ चारा ने फिर अगर न जाना पौंदा है तो मर्दे नाल ही मसीती मौलवी कोल पुछदे ने अजान लेट क्यों दित्ती क्यों तई ने की तकलीफ है तू दे लवे आ जाने छड़ दे मौलवी ने घर का मुजारा समझना ये भी कोई तकड़े हो जाए जिनी दलेरी शकीरदा के करते हो इनी दलेरी कि मुक्त दी अगे चकरवा तो इनकलाब आ जाता। मेरे नबी दे सहाबी दसिया हुजूर दे आशिक इंजी आउंदे फिर आपने खुद खत पढ़ के दसिया तेरे बारे मेरे नबी फरमाया तू कज़ाब है। उन्हें फिर इस तरह टंगे ऐसी सूली ते वो लकड़ियां दा खाका जिहा बणदे आ वो स्टैंड जिहा हुंदे आ उन्हें फिर पुछया दस मैनूं जानना है मैं कौन हाँ? हुजूर दे सहाबी फरमाया मैनूं कोई नहीं सुणींदा। उन्हें आख्या दस हुजूर कौन है? फरमाया वो ते नबियां दा इमाम बन के आया है। मेरे सोहने नबी दे यार कोलों पुछदा है दस सजना मैं कौन हाँ? हुजूर दा यार आंदा है मैनूं नहीं सुणींदा। उन्हें आख्या दस हुजूर कौन है? ते आपने फरमाया खत्मे नबूवत दा ताज पा के आया है। मुसैलमा कज़ाब हैरान हो के आंदा है हद हो गई है अजीब डोर है अजीब बोल है मेरी गल नूं सुणींदी यार दी गल सुन लई ना। हुजूर दे सहाबी फरमाया अल्लाह साडे कान गैरां दीआं आवाज़ां वास्ते नहीं बणाए अल्लाह साडे कान बणाए ने आवाज सुनिए दावियां बिना दे लाल दी सुनिए। कल्ला खड़ोता होया ना डरिया ना झुकिया ना हाल हाल कीतीए ना माफी मंगीए एक बारी जान दे मैं दोबारा नहीं आउंदा मैं ते भुल के आ गया। हुजूर दे यार कोलो सामने कैद करके पुछदा है दस मैं कौन? हुजूर दा यार आंदा है मैनू सुणींदे ही नहीं। उन्हें आख्या दस मुहम्मद अरबी कौन ने? जे मेरे नबी दा यार इक्को ही गल करदा है हो जिसके लिए महफ़ल कौन सजी है फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफ़िल कौन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी मक्की वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है
ਵਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਵਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਟੁੱਟ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿੱਤੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਣੀ ਤੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣੇਣੀ ਘੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਛਵਰਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਖੱਟਣਾ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਸੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਗਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਦੀਨ ਲੱਭਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੀਨੀ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਸਵਾਬ ਲੱਭ ਜਾਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿੰਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਦੀਨ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਨ ਕੋਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਦਿਪਦਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਦੌਲਤ ਦਿਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕੰਘੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮੜਾ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਜਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋ ਰੰਗੀ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੋਹਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋ ਅੱਬਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾ 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 ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁੜ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਨਹੁਸਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੰਢ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਢ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਹਸਤੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਵਮਾ ਹਲਈਆ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਲੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਬਹਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਿਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੋ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਸੈਨ ਨੂਰਾਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਫਦਈ ਤੂੰ ਮਨ ਫਦਈ ਤੂੰ ਬੀ ਇਬਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਗੋ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਵਾਰੇ
हुसैन होए जिंदे ते मेरा नबी औलाद बारे ते इस्लाम होए जिंदे ते हुसैन औलाद बारे। ये भी थोड़ी फरमाइश पूरी हो गई, चलो सूरत मने हो गई, ऐ मैं सुना देना तुसी जोक नाला खुश। सुभान अल्लाह। जा जिंदगी मदीने छोके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने छोके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, अपना चेहरा बातिल सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा बातिल सवार ले, बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, जा जिंदगी मदीने चौंके बजे तकरीर लगे हुए ना हो मेरे जाने अल्लाह के बंदे दुआ कर छड़न, अल्लाह सोना अमल दी तौफीक अता फरमाए। सारे दोस्त तशरीफ रखो, सारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम।